जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर द्वारा डीआरडीए हाल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिला की कुल 559 पंचायतों में चुनाव होंगे। वहीं बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा भी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला मंडी के जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के निर्वाचन कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन 3 चरणों में करवाए जाएंगे। जहां मतदाता सूची की बात है तो 559 पंचायत की, क्योंकि कुछ पंचायतें ऐसी थी जिनमें कोई चेंज नहीं था, तो उसकी मतदाता सूची का प्रकाशन पहले हुआ हो चुका है, जो कि 5 नवंबर को किया गया, जिसमें 346 पंचायत थी हमारी। फिर उसके पश्चात 186 पंचायत का जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 11 दिसंबर को किया गया, और अंतिम जो बची हुई पंचायत थी हमारी 27 पंचायतें थी, उनका अंतिम प्रकाशन 18 तारीख को किया गया। ये प्रकाशन जब हमारा इलेक्शन के पहले रिवीजन के बाद होता है, उसके पश्चात जो भी एडिशंस होती है वो जिला स्तर पे यहाँ पर इस स्तर पे की जाती है, तो कोई भी व्यक्ति इससे अगर छूटा है तो वो हमारे पास, हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को ऑथराइज किया है और उनके पास लगातार काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं। जैसे कि आपके साथ साझा पहले किया गया था 2 दिन पहले, जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, कि जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है उसके बिफोर 9 डेज के पहले हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आती है वही एंटरटेन की जाती है। तो उसके फलस्वरूप आज 23 दिसंबर आखिरी दिन है, आज शाम तक हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आएंगी वही हमारी मतदाता सूची में जुड़ पाएंगी। बाकी इसके पश्चात, इसके बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे और एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट हर पंचायत के लिए, हर वार्ड के लिए बनाई जाएगी। जो अब तक जो प्रकाशित हमारी मतदाता सूची है उसमें 7,47,050 कुल मतदाता हैं, जिसमें 3,71,345 पुरुष हैं और 3,75,705 महिलाएं हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इसमें एडिशंस अभी हो रही है, जैसे ही फाइनल हमारी लिस्ट आएगी तो अपडेटेड फिगर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार ये बनाई जाती है। ये हमारी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिस्ट के से कोई इसका तालमेल नहीं है, ये अलग लिस्ट होती है कम्प्लीटली, और इसमें अपडेशन को लेकर हर 5 साल बाद इलेक्शन इसमें होते हैं, तो अपडेशन भी उसमें उस तरह से होती है, तो काफ़ी एडिशन वगैरह भी इसमें अब हो रही है। तो अपडेटेड जो फिगर होगी वो आपके साथ इसको शेयर करेंगे। ये हमारी नॉमिनेशन के पहले चीज़ फाइनल हो जाएगी। ब्रेकअप जो है अलग अलग जो श्रेणी के लिए जो आरक्षित हैं, जैसे आप जानते हैं कि 50% सीट्स जो है वो टोटल सीट्स में से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सभी कैटेगरीज में, सभी लेवल्स पे। और उसी तरीके से जो SC ST के लिए रिजर्वेशन है, OBC के लिए रिजर्वेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ SC ST OBC इन दैट रिस्पेक्टिव पंचायत, इन दैट रिस्पेक्टिव ब्लॉक, उसके आधार पर उतने वार्ड्स उनके लिए रिजर्व हो रहे हैं। और जहाँ पर भी 5% से ज़्यादा जब कैटेगरी के लोग हैं तभी वहाँ पर रिजर्वेशन हो रही है, अगर 5% से कम है तो वहाँ पर रिजर्वेशन उस कैटेगरी के नहीं होती है। तो पोलिंग बूथ के लिए हमारे 3,271 वार्ड्स हैं, तो 3,271 हमारे पोलिंग बूथ्स रहेंगे। पोलिंग बूथ्स के लिए 31 दिसंबर 2020 को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो प्लान जो डिक्लेयर किया है उसमें हमने नोटिफाई करने हैं, तो क्योंकि यहाँ इस बार बहुत सारे पंचायत हमारी बढ़ गई है, बहुत सारे वार्ड्स भी उस तरह से बढ़ गए हैं, तो वो पोलिंग बूथ्स हमारे नए अभी फील्ड में बन रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन का कार्य चला हुआ है और 31 तारीख को आपके साथ साझा कर लेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ पर पोलिंग बूथ बने हैं। पर टोटल हमारे 3,271 पोलिंग बूथ्स रहेंगे 1 पर वार्ड। इसके बाद इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को, लोगों की कोई दिक्कत है उसको, उसका समाधान करने के लिए हर जगह पर, हर वीडियो लेवल पे एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिला मुख्यालय में जिला पंचायत अधिकारी के पास और बाकी जगह पर जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसके नंबर्स भी हमने आपके साथ इस प्रेस नोट में शेयर किए हैं।
जो आप पब्लिक, अगर किसी को भी कोई डाउट है नॉमिनेशन को लेकर या किसी भी और चीज़ की इलेक्शन को लेकर, तो वो वहाँ पर हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट विद क्लैरिफिकेशन। जो मतदान होना है उसमें 559 पंचायत है, जिसमें 190 पंचायत हमारी पहले चरण में है 17 तारीख को, 188 पंचायत हमारी दूसरे चरण में है 19 तारीख को, और 181 पंचायत हमारी है तीसरे चरण में 21 तारीख को। तो ये ब्रेकअप है पंचायत का। हमारी सेम पोलिंग पार्टी तीनों जगह पर जाएंगी, तो पोलिंग पार्टी उस तरह से हमारी बनाई जाएंगी, जो कि एक बार इलेक्शन करने 17 को जो इलेक्शन करेगी वही 19 को करेगी, वही 21 को इलेक्शन अलग अलग स्थानों पर उसको करेंगे, उनका एक रूट चार्ट विशेष बनाया जाएगा। और जहाँ बैठकों की बात है, हम रेगुलरली इन दीज टाइम्स भी और अदरवाइज भी लोग बिजी है, हर अपने अपने स्थान पे हैं, तो वी आर यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स। तो हम लगातार वीडियोस एसडीएम्स के साथ इसमें संपर्क में लगातार हमारी बैठकें हो रही है, ताकि क्लियर मैसेज जाए और कोई दिक्कत अगर है तो उसको उसका समाधान किया जाए। ये दौर आप सभी जानते हैं कि कोविड का भी है, और कोविड को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा भी क्लियर काफ़ी गाइडलाइंस जो है डिटेल गाइडलाइंस इशू की गई है पिछले कल, उसको भी धरातल से इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसमें सभी जो कोविड के नियम हैं उसका उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसमें क्लियर चीज़ें दी गई है कि एक टाइम पे जो प्रत्याशी है वो खुद या उसके साथ एक मेंबर, दो ही लोग एक साथ एक टाइम के अंदर आएंगे, बाकी लोग अगर वहाँ पर आते हैं तो उनको चिट दे के उनको बाहर बिठाया जाएगा और एक एक करके उनको बुलाया जाएगा। उसी तरीके से जो समीक्षा भी की जाएगी वो भी एक एक करके की जाएगी, एक एक इन द सेंस की एक वार्ड की एक बार की जाएगी, उसके बाद सब्सिक्वेंट वार्ड, तो बाकी लोग तब तक बाहर इंतजार करेंगे, जो प्रत्याशी है वही लोग अंदर, जिस वार्ड से संबंधित है वही लोग अंदर रहेंगे, ताकि भीड़ को कम किया जाए।